हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक हील। आज मैं स्विच वर्ड्स का लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको स्विच वर्ड्स किसने टाइप के होते हैं और कौन कौन से स्विच वर्ड्स होते हैं, कैसे कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं, वो सब के बारे में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्विच वर्ड्स बेसिकली वन वर्ड एफर्मेशंस होते हैं। एफर्मेशंस होते हैं जैसे हम अपने विश पूरी करने के लिए या किसी चीज़ के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, इसी तरह से स्विच वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने से आपके सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेटल करता है और आपकी जो विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। इट्स लाइक चैंटिंग, जैसे हम चैंट करते हैं, ओम है, श्री है, हम भगवान का नाम चैंटिंग करते हैं, उसी तरह से मॉडर्न मंत्रास हैं, आजकल के मंत्रास है जिनको चैंट करने से आप अपने विशेस पूरी कर सकते हैं, अपने बहुत सारे काम पूरे कर सकते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, अबंडेंस पा सकते हैं। इनको स्विच वर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आप को लाइट ऑन करनी है तो आपने लाइट का स्विच ऑन करेंगे तो क्या लाइट ही ऑन होगी। तो इसी तरह से वर्ड्स आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी रिलेशन में आप बोल रहे हैं, वो ही आप वर्ड बोलेंगे तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा आपका। तो ये आपके स्विचिंग ऑन लाइफ, आपके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको स्विच ऑन करते हैं। जब आप इसको चैंट करते हैं तो जो डिवाइन है वो आपकी हेल्प करता है उस चीज़ को ब्रिंग करने में आपके पास, जिस चीज़ को आप चाहते हैं। ये वन वर्ड अफर्मेशंस की तरह होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर आप बहुत अच्छे से इनको चैंट करें। 50 ईयर्स ऑफ रिसर्च इस पर हुई है बाई जेम्स टी मंगन, एंड जस्ट बिलीव ऑन इट। आप बिलीव करके करेंगे, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये प्योरली डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें आप उसमें वो बोलते हैं आमिर खान, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। ये भी एक टाइप ऑफ स्विच वर्ड ही कहलाएगा। पुराने ज़माने में बोलते थे किसी दरवाजे खोलने के लिए खुल जा सिम सिम, ये भी एक स्विच वर्ड की तरह ही था। आबरा का डाबरा हम किसी मैजिक में यूज़ करते हैं, ये सब आपके स्विच वर्ड्स की तरह ही यूज़ होते थे पहले। आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। स्विच वर्ड्स को बोला जाता है कि 28 108 टाइम्स चैंट करें, अदरवाइज़ आप इसको कितनी बार भी चैंट कर सकते हैं, जितना चैंट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। बेस्ट पार्ट इज़ इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए कोई एज का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कास्ट का डेफिनेशन नहीं है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसका मास्टर स्विच वर्ड होता है टुगेदर। आप टुगेदर सोलो भी यूज़ कर सकते हैं और आगे मैं फ्रेजेस आपको सिखाऊंगी, आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मास्टर स्विच वर्ड है, आप किसी और स्विच वर्ड के साथ, किसी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। डिवाइन एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको, इसका मतलब होता है आस्क फॉर अ मिराकल। आप डिवाइन से क्योंकि मांगते हैं कुछ भी, आपकी प्रॉब्लम है तो आप डिवाइन और टुगेदर एक साथ यूज़ कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्विच वर्ड्स। अब मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी किस तरह से उसको यूज़ करना है, और ये बहुत मिराकुलसली वर्क करता है। जस्ट बिलीव ऑन इट एंड गो थ्रू इट। थैंक्स।